तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और फिर एक बार एक अच्छा सा ब्लॉग लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आज एक हम खोपोली में सीक्रेट जगह जाने वाले। मैं आपको अभी तो फिलहाल बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन हम वहाँ पे जाके आपको मतलब बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे जाने का और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग वो प्लेस विजिट करने जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे जाके ही मैं माइक भी गया मेरा, तो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा कि कैसा प्लेस है। तो फर्स्ट टाइम हम व्लॉगिंग के लिए बाइक लेके जा रहे हैं, तो सीरियसली बहुत मजा आने वाला है। अभी समर भी चालू होने वाला है, तो भाई न्यू न्यू प्लेस हम विजिट करते रहेंगे। ऐसे आप न्यू व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इंस्टा पे जाके आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं वो जगह के लिए। यहाँ से कम 70 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है चेंबूर से, जो कि खोपोली में एक जगह। मैं आपको अभी बोला ऐसे कि मैं बताने नहीं वाला, तो हम वहाँ पे जाके आपको बताएंगे क्या है कैसा है। तो चलिए चलते हैं। रास्ता कवर कर चुका है, अभी हम है बेलापुर में, सीबीडी बेलापुर। अभी बोल सकते हो 40 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो भाई धूप तो बहुत लग रहा है, बहुत धूप है, क्योंकि पहली बार बाइक से ब्लॉगिंग करने के लिए आया, स्पेशली ब्लॉग के लिए बाइक से। बाकी तो भाई चलाती वाला तो दिखते ही है, लेकिन तभी भी भाई स्टेडियो आगे देखते रहे। 20-25 किलोमीटर बचा है भाई, देखो कितना गर्मी बहुत है और गर्मी में मुश्किल है बहुत बाइक चलाए। जूस पीने के लिए रुके, देखो कितना गर्मी है, बहुत बहुत मतलब पूरा इंजन का भी पूरा भाप आ रहा है ना। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into the light. We might. Okay. यहाँ से भी और बीच पर 20-25 किलोमीटर बचा है। धूप बहुत सही है यार, गाड़ी लेके आते तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि बाइक से बहुत मुश्किल हो रहा है। Yo, my chick, can't chick. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into the light. We must. हम लोग आ चुके हैं भाई अंदर, और ये है प्लेन जो कि बोइंग का 737 मॉडल का प्लेन है। तो फाइनली हमें अंदर, बहुत दिन के बाद हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आएंगे, और अभी कितने बज चुके हैं, 3 पूरा 2 घंटा गया ट्रैवलिंग के लिए। और चलिए देखते हैं सामने, एक बार देख लीजिए आप। जेट इंजन बहुत महंगा होता है, इसलिए ये पार्ट बस कबाड़ रखा हुआ है, जो कि उनके यूज़ में नहीं था, वो यहाँ पे रखा, और जो यूज़ में था वो लेके गए। तो हम लोग अभी ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसमें फ्यूल होता है, इसमें फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है इसमें होता है। बहुत इंजीनियरिंग का बहुत एक अलग लेवल की इंजीनियरिंग होती है। तो ये प्लेन के अंदर भाई पीछे से आएंगे, आगे फिर आपको लास्ट में कॉकपिट दिखाएंगे, पहले अंदर आ जाइए। ये है भाई, ये मेरे को पता नहीं, ये बिजनेस क्लास है शायद से, मैं कभी प्लेन में बैठा नहीं हूँ इसलिए मेरे को पता नहीं, आई थिंक ये बिजनेस क्लास ही है। तो देखो ये पर्पल वाली है, ये इकोनॉमी क्लास है, बहुत छोटा है रे, मतलब जो इसका छोटा लगता है लगने में, लेकिन तभी भी देखते आ जाइए। इसका मॉडल मैंने बताया बोइंग 737 है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को एक और एक चीज़ पता है अच्छे से, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे प्लेन है ना, यहाँ पे ये वाली सबसे सेफेस्ट, अरे बाप रे लग गया,
सबसे सेफेस्ट सीट ये मानी जाती है, ये वाली देखो, ये वाली सबसे सेफेस्ट, क्योंकि ये फ्यूल टैंक से बहुत सारी पीछे और कॉकपिट से बहुत दूर होती है, तो अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ये सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है, जो कि एरोप्लेन जो टैंक है उसके पीछे होती है, फ्यूल टैंक के पीछे। और ये टॉयलेट यहाँ पे आ गए, अरे बाप रे यहाँ पे तो अंधेरा है, गिर ना जाए भाई कहाँ पे। इस यहाँ पे क्रू ऑनली लिखा है तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, टॉर्च ऑन कर दे, देखो कैसा एरोप्लेन होता है। ऐसा कुछ एरोप्लेन है यहाँ पे जो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ भाई, एक बार कभी मैं एरोप्लेन में बैठा नहीं हूँ तो यहाँ पे आके बैठते हैं। यहाँ आगे से निकाल, देखो ऐसा कुछ खाने का होता है। मैं आज हूँ एरोप्लेन में स्नैप डालूंगा आज, आप भी अगर मिडिल क्लास हो कभी बैठे नहीं तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। अरे 100 रुपये में आपको यहाँ पे देखो ऐसा कुछ खाने के लिए होता है, वहाँ पे बहुत गर्मी, वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एसी भी चालू नहीं, कुछ हवा का आना बाहर भी चालू नहीं है। इसका विंडो कैसे ओपन करते एक बार देखना था मेरे को, आ जाइए देखो ऐसा कुछ, इसको क्लोज करते देखो कितना, मतलब सोच समझ के बना, एकदम पूरा पेपर बना है ना कि कौन सा भी जीरो वेट करके, देखो ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो यही सब था यार, इसमें रह गया है कॉकपिट रह गया है, ये क्या है कुछ अच्छा है, देखो ऐसा ओपन होता है, अभी भी वर्किंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ ओपन होता है, इसमें लगेज आपका जो भी हो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मतलब बहुत ठोस है, हल्का नहीं है भाई, लेकिन जो भी चीज़ें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है। बहुत लिटरली इतनी गर्मी कि मेरा मोबाइल बंद पड़ गया था, मतलब टेम्परेचर हाई करके मैसेज आ गया था, आईफोन है तो यहाँ से एंट्री है। आईफोन का बहुत दिक्कत है भाई, मुश्किल से तो बहुत कम टाइम दिया है घूमने के लिए। ये देखो ये दरवाज़ा है उतरने का, ये साइड भी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई मेरे को क्योंकि मैं ना कि मेरे इंजीनियर हूँ, जितना है वो आपको वो बता रहा हूँ। और हम आ जाते भाई अभी कॉकपिट में, जो कि मेन चीज़ होता है भाई, देखो कॉकपिट का कैसा नज़ारा, एक बार बैठ के देखते। ये है कॉकपिट सही में, देखो एक चेक करता है, यहाँ पे दो पायलट बैठते, और ये पता नहीं मेरे को लगा अभी लगाया गया है कि क्या मालूम नहीं है, शायद से बनाया गया हुआ है नकली तरफ से, ओरिजिनल नहीं है ये। यहाँ पे सीट है, ये इसमें पूरा हम खोल के बिल के देखेंगे क्या, टेंशन नहीं है कुछ नहीं। यहाँ पे लीवर वीवर है, पार्किंग ब्रेक पुल ऐसा खींच के पार्किंग ब्रेक, और ये क्या पता है देखो ये ऐसा है। तो कॉकपिट कितना छोटा है यार, मतलब सही में डेंजरस लगता होगा, क्योंकि अगर कुछ इंसिडेंस हो गया तो भाई पहले पायलट ही मरेंगे, क्योंकि बहुत लगता नहीं कि एक स्ट्रांग होगा बहुत, वैसे तो लग रहा है वो सोच समझ के बनाया होगा जिसने भी बनाया होगा, लेकिन बहुत छोटा है सच में कॉकपिट, एक पूरे नीचे कुछ भी उन्हें ब्लॉक हो रहा है पूरा, ठीक है। कुछ ऐसा कॉकपिट है देखने जैसा कुछ नहीं यार, यहाँ पर लगाया गया है सिर्फ, ये नहीं क्या नकली लगाया गया है, देखो यहाँ का सब निकाल के शायद लेके चले गए जो भी इम्पोर्टेंट में, जैसे कि मैंने बताया सब खोल के बिल्कुल देखता अगर मेरे को पूरा एक दिन मिलता तो। हाँ यार तो किसका ड्रीम है चलिए नीचे चलते भाई, सीढ़ी लगाया चलते बाहर, गाड़ी की चाबी आ गया, गाड़ी की चाबी गायब हो जाती। अंदर का व्यू तो मैंने बता दिया, एक बार ये भी देखो यहाँ पे कुछ था वो भी निकाल के, इम्पोर्टेंट जो होता है मैंने बोला, जैसे कि देखो एरोप्लेन में मैकडोनल्ड्स, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट था वो भी निकाल के लेके चले गए, इसका व्हील भी लेके चले गए यार, नकली व्हील लगाया यहाँ पे। और ये बैक साइड है, वेंटिलेशन जीरो वेंटिलेशन है यहाँ पे, कुछ कुछ भी वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत सच में बहुत बड़ा है। अरे ये मेटल नहीं है ब्रो, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये मेटल हो, लगे मेटल है क्या, क्या है समझ में नहीं आ रहा, शायद से
मेटल जैसा तो नहीं लग रहा यार, कुछ तो अलग ही है यहाँ से शायद। वाटर टैंक फ्यूल, अच्छा देखो यहाँ से फ्यूल भरते, ये फ्यूल का है, दैट्स द फ्यूल पैनल। वाटर टैंक फिल वॉल, वाटर टैंक वाला है, एयर वॉल, वॉर फ्लो, वाटर कनेक्शंस, पानी का जो भी कनेक्शन यहाँ से। और ये तो देखो कितना ऊपर है,